आई एम रुखसाना अख्तर फ्राम यू पी एस हॉन टू टॉपिक इज जूलियस सीजर बचो जो ये टॉपिक है जूलियस सीजर इसके बारे में हमने आधा पढ़ा है तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे एंड एंथनी स्पोक अगेन इफ यू हैव टर्स प्रिपेयर टू शर्ट दैम ना हीस टोरन बाई ऑफ मैन होम हीड था वायर हिज फ्रेंड्स सी वट द का मेड क्राइड एंथनी एंड हियर द वेल बिलवड ब्रूटस स्ट्रक This was the unkindest cut of all. You know how dearly Caesar loved him. And when he found that Brutus was unfaithful, his great heart broke. The people cried, Oh noble Caesar, oh most bloody sight, we will be revenged. Shouting for revenge, they rushed out of the marketplace in search of Caesar's murderers. And Mark Anthony was well satisfied. The first part of his plan head worked good. बच्चों इसका मतलब यह है कि जब एंथनी लोगों से इस, इसके ब्रूटस के बारे में कह रहा था कि उसने कैसे सीजर का कत्ल किया तो जो एंथनी है वो लोगों से कह रहा है कि अगर आपके दिल में सीजर के लिए हमदर्दी है उसके लिए आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बहने के लिए तैयार हो जाओ तो जो एंथनी था इन्होंने लोगों को सीजर का कपड़ा दिखाया जो दिखाया जो उसको वो उसने पहना था जब उसका कत्ल हुआ तो जो एंथनी था वो लोगों से कहता है कि ये जो ब्रूटस हैं इस ये इसने सीज़र का कत्ल किया ये जो सीज़र था वो ब्रूटस से बहुत प्यार करता था और जब सीज़र को यह पता चला कि ये जो ब्रूटस हैं वो बेवफा था तो उसका दिल चकनाचूर हो गया जब लोगों ने यह सुना तो लोग चिल्लाए और वो बदला लेने के लिए बाजार में गए और मार्क एंथनी को बड़ी तसली हुई कि इसके मनसूबे के पहले ही ने काम कर दिया ब्रूटस एंड ब्रूटस एंड कैसियस फ्लड टू ग्रीस अबाउट दे वर वैंपड विद आर्मी एट सैडिस एंड एंथनीस अनदर फ्रेंड ऑफ सीजर विद आर्मी वायर नियर टाउन ऑफ फिलिपी सम माइल्स अवे During that year, Brutus had become an unhappy, bitter man. His companions had lost their ideals and were fighting among themselves. At sad as he received news that his wife was dead, and sorrow was added to his bitterness. वैसे इसका मतलब ये है कि जब लोग इनको ढूंढने के लिए निकले, Brutus और इसके जो साथी थे, जिनमें Cassius भी था तो ब्रूटस और कैसस रोम से भाग गए और वो यूनान चली गई। एक साल के बाद ब्रूटस एक साल के बाद वो साडिस में अपनी फौज के साथ एक खीमे में थे कौन ब्रूटस और उसके साथी और एंथनी एक्टोवियस सीजर का एक और दोस्त के साथ अपनी फौज के साथ फ़िलिपी के शहर के पास कुछ मील की दूरी पर था इस एक साल में जो ब्रूटस था यह एक गुसले कसम का आदमी बन चुका था और जो इसके साथी थे ब्रूटस के साथी थे वो अपने उसूल गंवा चुके थे और आपस में ही लड़ते रहते थे जब ब्रूटस और इसके साथी साडिस में थे तो उसको वहाँ यह खबर मिली कि उसकी बीवी की मौत हो गई है और उसकी कड़वाहट में दुख भी शामिल हो गया Brutus wanted to march to Philippi and attack Mark Anthony there, but Cassius was against it. He wanted to wait for the enemy to come to them, but Brutus persuaded Cassius and they marched to Philippi. Cassius, Octavius, and Mark Anthony had the advantage of a good defense position as well as a fresh and rested army. While preparing for battle, टू मैन पार्टी आर्मी इन टू बच्चों का मतलब ये है कि ब्रूटस फिलिपी की तरफ बढ़ना चाहता था और मार्क एंथनी पर हमला करना चाहता था लेकिन जो इसका दूसरा साथी था कैसस था उसने ये बात नहीं मानी उसने कहा कि हम इसका इंतज़ार करेंगे कि दुश्मन खुद इनके पास चल कर आए लेकिन जो ब्रूटस था उसने कैसस को मनवा ही लिया कि वो फिलिप के लिए कोच कर गए और कैसस और मार्क एंथनी एक अच्छी दिमागी पोजीशन में थे और इनके पास आराम के बाद तैरोज़ा ताज़ा हो चुकी फौज थी उनके पास अच्छी फौज थी ताकतवर फौज थी किसके पास एंथनी के पास जंग के लिए तैयारी करते हुए कैसस ने ब्रूटस से कहा अगर इस जंग में हमारी हार हुई तो क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी कि तुम रोम की गलियों में एक कैदी बना कर तुम्हें ले जाया जाए ब्रूटस ने हल्फ लेते हुए कहा अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा कौन ब्रूटस बल्कि अपनी जान ले लेना ज़्यादा बेहतर समझेगा और फिर दोनों अलग हो गए जंग में अपनी फौज के आधे आधे हिस्सों की क़्यादत करने लगे तो बच्चों जो ये टॉपिक है इंशाल्लाह हम ये कल कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज